सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में। और आज हम आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से हाई कोर्ट का जो यहाँ पर पर्सनल असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर जो है जारी कर दिया गया है, और उससे रिलेटेड सारी जानकारी और एप्लीकेशन फॉर्मेट प्रोफार्मा यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर हम आपको बता दें पूरा का पूरा नोटिस आपको खोल करके किस तरीके से यहाँ पर रहने वाला है और किस तरीके से यहाँ पर रिजल्ट रहा, आइए इसको देख लेते हैं ध्यान से। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको पूरा ये नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। यहाँ पर 22 रिक्त पदों के लिए यहाँ पर वैकेंसी यहाँ पर फिलअप की गई थी और उसके लिए एग्ज़ाम हुआ था। तो यहाँ पर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बदलाए गए हैं, जिनके आंसर बदलाए गए हैं, 45, 56, 90 और 94 नंबर के क्वेश्चन, ये वाले में दोनों बी और सी, ए और सी सही माने और ए और बी और सी सही माने, और इसमें ए वाला 94 नंबर वाला निरस्त कर दिया, एक नंबर सबको दिया है। और ऐसे ही 45 नंबर क्वेश्चन में भी एक नंबर सभी को यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर 10 गुना और समान अंक प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को यहाँ पर मौका दिया गया है। और यहाँ पर हम बताते हैं कि जितने भी कैंडिडेट चयनित हुए हैं उनको अपने लिफाफे में ये सारी जानकारी अंकित करना है, और इस पते पर जो कि उच्च न्यायालय जबलपुर का है, ये आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर आपको पहुँचाना है सारे के सारे आवेदन के साथ साथ जो भी दस्तावेज हैं पूरे आपके लगने वाले वो सब पहुँचाना है शैक्षणिक योग्यता से रिलेटेड, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर जो है आगे डिफ़ॉल्ट माना जाएगा, हमें उसको आगे बढ़ने। दोस्तों रिजल्ट को बढ़ाने से पहले हम यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर जो व्यापम ग्रुप 4 के आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो भी व्यक्ति प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो सटीक प्रिपरेशन करना चाहते हैं और साथ ही साथ वो एक सही दिशा के साथ तो आगे बढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई वीडियो कोर्स उन्हें मिल जाए ताकि वो अच्छे से तैयारी कर सके, तो यहाँ पर परीक्षा जो है वीडियो कोर्स लेकर के आया है आज ही के दिन, केवल ऑन 10th मई, यानी कि आज ही के दिन ये ऑफ़र रहने वाला है। 999 का रहने वाला है, ये 3000 का है, वैसे 3000 का जो ऑफ़र है वो आपको 999 का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको कोड अप्लाई करना है SEK999, जी हाँ SEK999 कोड का यूज़ करना है। आप हमारे टेस्ट सीरीज हम जब लगाते हैं तो SEK50 लगाते हैं, लेकिन इस दिन आज के दिन आपको SEK999 का यूज़ करना है, और ये केवल 200 फर्स्ट यूज़र्स के लिए है, तो आप जल्दी से जल्दी इसमें अपना एनरोलमेंट करा लीजिए। यहाँ पर आपको पूरे के पूरे 6 सब्जेक्ट जो हैं जो ग्रुप 4 में आने वाले हैं उनके लिए डेडिकेशन के साथ यहाँ पर तैयारी कराई जाने वाली है, और आपके पास अच्छा मौका है इसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप इसके अलावा आप चाहते हैं कि आपको टेस्ट सीरीज लगाना हो तो इसकी टेस्ट सीरीज आपको SEK50 कोड का यूज़ करके आप इस टेस्ट सीरीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, वो है मात्र 175 की। और अगर आप वीडियो कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, तो आपके पास अच्छा मौका है, और यहाँ पर आपको मात्र 999, मतलब कि आपको 999 रुपये में ये पूरा वीडियो कोर्स मिल रहा है, ठीक है। मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, GK, ठीक है, MP का GK भी है, और साथ ही साथ आपका इंग्लिश भी है, और उसमें आपको ये सारी चीज़ें हिंदी भी, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, कवर हो जाएंगी अच्छे से, जहाँ पर तैयारी हो जाएगी आपकी। तो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर यहाँ बता दें जनरल के यहाँ पर टोटल 11 पोस्ट थी, और उनके लिए यहाँ पर 10 गुना अभ्यर्थियों को लिया गया और समान अंक वालों को भी लिया गया। तो यहाँ पर जनरल का कट ऑफ जो रहा है वो 85 रहा है पर्सनल असिस्टेंट के लिए, ठीक है। आगे इनको यहाँ पर अपने डिक्टेशन के लिए जाना पड़ेगा, शॉर्ट हैंड के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। OBC का 78 यहाँ पर OBC का रहा है 78। और आगे देख लेते हैं PH कैंडिडेट के लिए, एक कैंडिडेट के मुकाबले यहाँ बुलाया गया, कितना यहाँ पर कट ऑफ रखा गया, तो SC के लिए 73 और PH कैंडिडेट एक SC का है, उसके लिए यहाँ पर कोई भी यहाँ पर SC कैंडिडेट PH का नहीं मिला, यहाँ पर 73 SC का रहा है, आप देख लीजिए यहाँ पर 73 लिखा है SC का। और आगे अगर बताते हैं हम आपको यहाँ पर 41 पर यहाँ पर ये ST का रहा है, बहुत कम रहा है ST का, 41 पे यहाँ पर ले लिया गया है। ये सारी जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी, और आपको बता दें कि ये जो फॉर्म है ये आपको ले जाना है, ये फॉर्म निकलवा के आपको प्रिंट निकलवा के इसमें हाँ या नहीं भरना है, और उसके बाद अपने जो दस्तावेज है ना वो यहाँ पे इस आवेदन प्रोफार्मा जो है इसको पूरा भरना है, एक एक जानकारी अच्छे से भरना है इसमें। उसके बाद आपको यहाँ पर सभी चीज़ों की जो छाया प्रति है वो लगाना है अपने सभी दस्तावेजों की, यहाँ पर टिक लगाना है, और यहाँ पर सभी चीज़ों को भरते जाना है, राइट का निशान लगाते जाना है इनके सामने, और इसको फिर अपने जो डॉक्यूमेंट है उनको पहुँचा देना है, और निश्चित पते पर, जो निश्चित पता आपको भी ऊपर बताया हमने, उस पते पर आपको यहाँ पहुँचा देना है। इतना काम आपको करना है, ये पता लिखा हुआ है, ये काम आपको करना है, और आप यहाँ पर अपने प्रेपर एग्ज़ाम के लिए आगे बढ़ जाएंगे, और आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, थैंक यू।